Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8 G science, we are on 10th chapter, refraction and dispersion of the light. In the previous chapter, we complete our part A, B, C. Now today we start the part D, question answer of this chapter. In the part D, first question is, light propagates faster than a medium A, then through a medium A, then through the medium B, which one of the two media has the high optical density? किसकी optical density ज़्यादा होगी? तो medium B की optical density जो है ज़्यादा होगी. State the condition under which no change in the direction of propagation of a light ray would take place when it passes from medium A to B. वो कंडीशन बताएं जिसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पे कोई चेंज ना आए, ठीक है, जब एक लाइट रे जो है वो एक मीडियम ए से बी में पास करे. व्हेन द इंसिडेंट रे मेक्स राइट एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो वो कंडीशन क्या होगी, जब इंसिडेंट रे जो है वो राइट एंगल बनाएगी किसके साथ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डज ए पेंसिल अपीयर बेंट व्हेन इट पार्शली डिप्ड इन द वाटर, जब वाटर में उसको डाल के रखते हैं तो लाइट जो है बेंट, पेंसिल जो है बेंट क्यों दिखाई देती है, मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है. When the light rays coming from water enter the air, जब पानी से जो light rays आ रही हैं तो वो हमारी air में जब enter करती हैं, they bent away from the normal से away bent कर जाती हैं. Due to this, light ray appear to be coming from different position than the actual position की बजाय डिफरेंट पोजीशन से आती हुई हमें दिखाई देती है. ये हमने क्वेश्चन जो है बुक रीडिंग के दौरान भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से पेंसिल जो है बैंड होती हुई हमें दिखाई देती है. नाउ सो पोजीशन ऑफ पेंसिल एक्चुअल के बजाय अलग पोजीशन से आती हुई दिखाई देती हैं. ड्यू टू दिस पेंसिल अपीयर टू बी बेंट व्हेन द पार्शली डिप्ड इन द वाटर. ओके, ट्रेस द पाथ ऑफ रे फॉलोइंग रे डायग्राम. रे डायग्राम में से रे का जो है पाथ आपने क्या करना है, ट्रेस करना है. तो देखिए ये बिल्कुल रे आ रही है, यहाँ से हमने दो पैरेलल लाइंस ली, ये जो है ये पाथ होगा, दूसरे में इसमें ये वाला पाथ जाएगा, तीसरे में इधर और इधर सीधा, दैट इज द पाथ. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हेन ए स्फेरिकल लेंस सॉरी व्हेन ए स्फेरिकल लेंस इज हेल्ड When a spherical lens is held towards the sun and sharp image is formed on the piece of black paper, a hole gets burnt in the black paper after some time. Name the lens used in the above activity. जो above activity हम कर रहे हैं तो उसमें lens का use, किस lens का use किया जाता है, तो वो lens होता है convex lens. What name is given to the distance between spherical lens and the black paper? जो distance होगा spherical lens का और black paper का, उसको आप क्या नाम देंगे, वो होगी हमारी focal length. What is the relative advantage of using black paper rather than a white paper? Black paper absorb most of the energy falling on it. क्योंकि black paper जो है ज़्यादा से ज़्यादा energy absorb करता है, while white color रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द एनर्जी फॉलिंग ऑन इट, जबकि वाइट कलर का जो पेपर है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को क्या है, रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है. सो ब्लैक पेपर कैन
बर्न फास्टर देन द वाइट पेपर इन दिस एक्सपेरिमेंट। इसलिए ब्लैक पेपर जो है जल्दी बर्न हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाइट पेपर। वट काइंड ऑफ लेंस वुड फॉर्म एन इन्वर्टेड मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस तरह का लेंस जो है ए पार्ट है उसका भाई इन्वर्टेड और मैग्नीफाइंग इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट की, तो वो होगा कन्वेक्स लेंस। एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइंग इमेज, तो वो होगा आपका, वो भी होगा आपका कन्वेक्स लेंस। बी पार्ट का आंसर भी क्या आएगा, कन्वेक्स ही आएगा। दैट इज द आंसर ऑफ बी पार्ट, कन्वेक्स लेंस। एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो भी कन्वेक्स लेंस। एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, उसका भी कन्वेक्स लेंस। सभी पार्ट का आंसर क्या है, कन्वेक्स लेंस ही है। ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ टू इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज फाउंड बाय यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। तो इसके लिए एक लेबल डायग्राम हम ड्रा करेंगे दोनों के लिए, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी। ये हैं हमारे लेबल्ड डायग्राम, ये कनकेव के लिए है, ये कनकेव लेंस हो गया। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ से एक रे यहाँ, एक ये रे इसके बिल्कुल इसमें से जाएगी, ये यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पे इमेज बनेगी और ये वापस यहाँ ये डॉटेड आएगी। दूसरा क्या है, ये कन्वेक्स लेंस है, यहाँ से दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। ओके, ये दोनों डायग्राम आप ध्यान से देख लें और ये आपने ड्रा करने हैं। आज हम पार्ट डी ही कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक जो पढ़ा है उसको आप राइट और लर्न करेंगे। ओके, बी एट होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच।